रूप से आज हम जिंक, मैंगनीज, आयरन और बोरॉन के बारे में बात करेंगे। जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की लक्षण गेहूं में कैसे होता है उसका बारे में समझ लेते हैं। जहां तक जिंक की कमी की लक्षण है, ये यंग लीफ में जो ऊपर भाग की पत्ती में सबसे पहला दिखाई देता है और पत्ती की बीचों बीच आता है और धब्बा से बन जाता है और वो धब्बा धीरे धीरे सफ़ेद बन जाता है और फिर गल जाता है, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं, और पत्ती टूट जाता है। और अगर हम इस मैंगनीज की कमी की लक्षण को देखेंगे, इसमें जो बीज की पत्ती उसमें इसका कमी की लक्षण आता है और इसमें भी क्लोरोसिस होता है, लेकिन पत्ती ऊपरी भाग से और किनारे किनारे इसका लक्षण दिखाई देता है और फिर सूख जाता है। और जैसे जैसे ये डेफिशिएंसी आगे बढ़ता है और इसका सारी पत्ती येलो हो जाता है। और आयरन की डेफिशिएंसी ये बिल्कुल ही बाकी दोनों से हम अलग से पहचान सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम इंटरवेनल क्लोरोसिस बोलते हैं, जिसमें पत्ती में पीलापन आता है लेकिन जो वेन है पत्ती का वो हरा बने रहता है। और ये धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होता है, पत्ती गलन हो जाता है, नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, और पत्ती मर जाता है, ड्राई हो जाता है। और बोरन की कमी की जहाँ तक बात है, क्योंकि बोरन जो है हम बोरन की जो ज़रूरत जो फ्लावर और फ्रूट और ग्रेन इसका सेटिंग में ज़रूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका पत्ती में उसका डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देता है, जिसमें जो गेहूँ की पत्ती में आरी जैसे बन जाता है किनारे किनारे से और फिर धब्बा बनता है और पत्ती टूट जाता है। जो बाली को देखे इसका मैच्योरिटी में, जिसमें बोरन की डेफिशिएंसी है, वो बाली अच्छा से बनता नहीं है, इसका विकसित नहीं होता है। सो जिंक की जो मिट्टी में डालने के लिए हम 25 से 50 केजी जिंक प्रति हेक्टर की दर से, हल्का मिट्टी के लिए 25 केजी और भारी मिट्टी के लिए 50 केजी प्रति हेक्टर की दर से हम डालते हैं। और 0.5% जिंक सल्फेट की घोल बना के 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टर की दर से इसका 7 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और उसी प्रकार हम बोरन को भी छिड़काव कर सकते हैं, उसमें 0.2% बोरिक एसिड या सोलिबोर का घोल बना के 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर की दर से हम डाल सकते हैं। और बोरन को मिट्टी में डालने के लिए हम 10 से 20 केजी बोराक्स प्रति हेक्टर की दर पे हम सोइंग का टाइम पे हम डाल सकते हैं। और बाकी आयरन और मैंगनीज हम मिट्टी में डालना प्रेफर नहीं करते, उसका 1% घोल बना के आयरन सल्फेट या मैंगनीज सल्फेट के, जैसे हमको डिफिशियंसी सिम्टम्स और या कमी की लक्षण दिखाई दे उस टाइम पे 7 से 10 दिन के अंदर 2 से 3 छिड़काव करते हैं उसका। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमको याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट हो और कोई भी सॉयल हो, हम फार्म यार्ड मेन्यूर FYM और बाकी जो जैविक खाद डालना से उसका कमी काफ़ी हद तक नहीं आता है।